Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to News of Today channel. And आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक रहेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं या एक यूनिट पॉलिसी को स्टार्ट करूं, कंफ्यूज्ड हूं मैं। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और आपने कंपैरिजन कर लिया है म्यूचुअल फंड और यूनिट प्लान्स के बारे में भी, तब भी कंफ्यूजन आ रहा है कि एग्जैक्टली स्टार्ट क्या करना चाहिए मुझे अभी के समय पर मेरी रिक्वायरमेंट के आधार पर, तो उस केस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर यूनिट पॉलिसी। अगर बात करता हूं, अगर एक न्यू इन्वेस्टर हो, एट प्रेजेंटली इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग का मतलब यहाँ से ये है कि आपकी टर्म इंश्योरेंस प्लान हुआ हुआ है, या आपके पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपके पास लाइफ कवर है। मतलब ये हुआ कि अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैं सिंपल वर्ड में साफ आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में इमोशनल सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली के पास इतना तो पैसा होना चाहिए कि जिससे वो अपना एक न्यू बिजनेस खोलकर, नहीं तो एक ऐसा काम स्टार्ट करे जिस अमाउंट से उनको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए। अगर आपने ये सारी चीजें पहले से कर रखी हैं, इन दैट केस यूलिप में कभी भी पैसा मत डालना। 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन में एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करो और एक अच्छा कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न लो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके पास एट प्रेजेंटली कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना टर्म इंश्योरेंस है, ना कोई ट्रेडिशनल प्लान है, ना कोई यूलिप पॉलिसी है, ना कोई लाइफ कवर है, इन दैट केस योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू टेक अ वन ट्रेडिशनल प्लान जिससे आपकी फैमिली सिक्योर फील करे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग फील करें कि अगर मैं नहीं भी रहता हूं उस केस में भी मेरी फैमिली के पास इतना तो पैसा होगा कि जिससे वो एक अपनी लिविंग के लिए बिजनेस, नहीं तो ऐसा काम स्टार्ट करेंगे जिससे उन्हें मंथली मंथली अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड आ जाता है टाइम ड्यूरेशन, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड लो, कभी भी पैसा निकाल लो। अगर आपको लगता है नहीं, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, मेरे को आने वाले समय के लिए पैसा जोड़ना ही जोड़ना है, चाहे 1,000 से जोड़ू चाहे 10 लाख से जोड़ू, तो 5 साल के लिए यूलिप पॉलिसी ले लो। रिटर्न जो है वो एवरेज रहेंगे आपके म्यूचुअल फंड के अंदर और उसी के साथ यूलिप प्लान के अंदर, बट आप एक अच्छा कॉर्पस वैल्यू जोड़ पाओगे अगर एक 5 साल, 10 साल, 15 साल के इन्वेस्टमेंट करते हो। तीसरा आ जाता है, अगर मैं एक 35 साल का इंसान हूं तो उस केस में मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हूं, उस केस में मुझे रिटर्न कहां पर ज्यादा मिलेगा। इन दैट केस यू ओनली कंसिडर एट प्रेजेंटली म्यूचुअल फंड, क्योंकि यूलिप प्लान्स के अंदर जो रिटर्न है वो एवरेज होते हैं, वहां पर फीचर सारे मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ कवर मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, स्विचेस मिल रहे हैं, पार्शियल ड्रॉबल मिल रहा है, बट जो रिटर्न है दैट इज एवरेज अप टू 13-14% इन म्यूचुअल फंड। इफ यू आर गोइंग अहेड राइट नाउ, अगर मार्केट फेवर में रहता है, यू विल अर्न मोर देन 18-19% अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि 100% जो पैसा है इक्विटी पार्टिसिपेशन में, और मल्टी कैप अगर आप फंड चुनते हो तो डाइवर्सिफाई रहेगा हर एक सेक्टर के अंदर भी। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और टर्म इंश्योरेंस भी रखता है, उस केस में ओनली कंसिडर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ फॉर अपकमिंग टाइम ड्यूरेशन। अब अगर बात करते हैं चौथे पॉइंट के हिसाब से, वो आ जाती है रिक्वायरमेंट और पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बच्चे की एज 2 साल की है, 18 साल के लिए प्लान देख रहा हूं और एवरेज रिटर्न मुझे चाहिए सिर्फ 13-15% का, कंसीडर कर लो यूलिप प्लान। लाइफ कवर भी मिल जाएगा, वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर भी मिल जाएगा। अब अगर एक इन्वेस्टमेंट करनी है आने वाले 5 साल के लिए, जहां पर एक गाड़ी खरीदनी है, उस केस में 2.5 लाख या 3 लाख रुपए मेरी जेब में है और मेरे को 2 लाख से 1.5 लाख रुपए और जमा करने हैं आने वाले 5 साल के अंदर, कंसिडर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा, आप ही तो करोगे।
कि एग्जैक्टली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, गाड़ी खरीदनी है या बच्चे का एजुकेशन देखना है या अपने रिटायरमेंट देखनी है, तो इन चीजों को कौन प्रायोरिटाइज करेगा, वो होगे आप जो अपने रिक्वायरमेंट को समझ के एक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करोगे। फिफ्थ आ जाता है ऑप्शन आपका कितने प्रीमियम से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास हर चीज है उसके बाद भी 3,000, 5,000, 10,000 करना है, तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। आप 5,000 रुपए के हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक यूलिप प्लान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आप डिपेंड करोगे कि आपको कहां पर जाना है। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा, अगर एक यूलिप प्लान आपके पास है अभी, मतलब एक यूलिप प्लान या ट्रेडिशनल पॉलिसी चला रहे हो आप, तो उस केस में सेकंड मत कंसिडर करो, 100% पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, अच्छे रिटर्न लो, जिससे आपको भी पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है। अगर एक यूलिप है उसमें लाइफ कवर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टर्म इंश्योरेंस भी चला रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी चला रहे हो, तो पैसा बढ़ाओ ना अपना, वहीं पर क्यों डाल रहे हो अपना पैसा, 100% इक्विटी में डाल रहे हो, टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, जहां पर वो 14 दे रहा है वही 16 दे देगा वहां पर वो, तो उसको आप आराम से समझिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा उसी के साथ, कई लोग होते हैं जो टैक्स बेनिफिट के लिए ELSS भी करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, ये होता है टाइम के आधार पर, 3 साल के लिए मैंने टैक्स बेनिफिट करना है तो उस केस में मैं ELSS कर लूंगा, 5 साल के लिए करना है तो उस केस में म्यूचुअल फंड के साथ साथ यूलिप भी कर सकता हूँ, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देखते हो। अब उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा रिस्क के बारे में, अगर आप एक सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, मतलब आपको रिस्क नहीं लेना है, उस केस में आप एक इन्वेस्टमेंट को यूलिप के साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें 8 फंड होते हैं, 4 फंड इक्विटी पार्टिसिपेशन है, 4 फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के हैं, वहां पर आप टोटल पैसा अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं टोटल 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करो, वहां पर आपका रिटर्न ज्यादा रहेगा। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिपेयर करता हूँ आप सभी के लिए एक इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद, सोचने और समझने के बाद और रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ने के बाद, आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करता हूं रियल लाइफ के आधार पर, तभी ये वीडियो मैं आपके सामने बनाकर लाता हूं। अब अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंटली, अगर आप एक आर्मी पर्सन है या एट प्रेजेंटली आप एक पर्सनल लाइफ गोइंग पर्सन है जो आप आराम से जिंदगी को जी रहे हो आर्मी के लिए, क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, हमको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है सिक्योरिटी, बट हमें उसके बाद भी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अगले दिन मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, या मेरे साथ कुछ होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूं एक पर्सनल लाइफ जो जी रहा है इंसान एट प्रेजेंटली, तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस उतना मैटर नहीं करता, बट एक आर्मी पर्सन के लिए मैटर करता है। तो ये प्रायोरिटीज होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर यूलिप पॉलिसीज, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।